गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों नमस्कार, आप कैसे हो? स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 4, द डंकी एंड द डॉग ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको लेसन 4 इंग्लिश रीडर में द डंकी एंड द डॉग पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली। द डंकी मीन्स गधा एंड द डॉग मीन्स कुत्ता। यह कुत्ता और गधे की कहानी है जो एक मालिक के घर में रहते थे और उसका काम करते थे। ए वाशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। वाशरमैन मीन्स होता है धोबी। हैड मीन्स रखता था। डंकी एंड ए डॉग, धोबी एक गधा और एक कुत्ता रखता था, यानी धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता थे। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, ही यूज टू गो वह जाया करता था। ही यूज टू कैरी वह ले जाया करता था। ही यूज टू ईट वह खाया करता था। ऐसा यूज टू का मतलब निकलता है। ही यूज टू गो टू द रिवर टू वाश क्लॉथ्स। वाश मीन्स धोना, क्लॉथ्स मीन्स कपड़ों को, रिवर मीन्स नदी। वह कपड़ों को धोने के लिए नदी में जाया करता था। कब? प्रत्येक सुबह। वह प्रत्येक सुबह अपने कपड़े धोने के लिए नदी में जाया करता था। द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ। लोड मीन्स भार, वजन। यूज टू कैरी ले जाया करता था। गधा कपड़ों के भार को ले जाया करता था। ही यूज टू लिव इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। मास्टर्स एपोस्ट्रोफीएस लगा हुआ है, इससे काके की का उच्चारण निकलता है। ही यूज टू लिव वह रहा करता था इन अ शेड एक छप्पर में। आउटसाइड मीन्स बाहर। द मास्टर्स हाउस मालिक के घर। वह मालिक के घर के बाहर छप्पर में रहा करता था। एंड द डॉग यूज टू स्टे, स्टे मीन्स ठहरना। इनसाइड मीन्स अंदर द हाउस। और जो कुत्ता था वह घर के अंदर रहा करता था। द होल डे पूरे दिन, पूरे दिन कुत्ता अपने घर के अंदर रहा करता था। इन द इवनिंग शाम के समय, द डॉग यूज टू फील हैप्पी। कुत्ता शाम के समय प्रसन्नता महसूस किया करता था। टू सी एज मास्टर अपने मालिक को देखकर। कुत्ता शाम के समय अपने मालिक को देखकर प्रसन्नता महसूस किया करता था। ही यूज टू लिख, लिख मीन्स चाटना। वह चाटा करता था हिज मास्टर। वह अपने मालिक को चाटा करता था। एंड जंप ऑन हिम और उसके ऊपर कूदा करता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग। लिफ्ट मीन्स उठाना। मालिक कुत्ते को उठाया करता था इन हिज आर्म्स अपनी भुजाओं में। कुत्ता मालिक कुत्ते को अपनी भुजाओं में उठाया करता था। एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस और घर के अंदर ले जाया करता था। सीइंग दिस यह देखकर, द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। यह देखकर, वांटेड मीन्स चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यह देखकर गधा भी घर में रहना चाहता था। मे बी हो सकता है, ऐसा कौन सोचता है गधा। इफ आई आल्सो जंप ऑन हिम, यदि मैं भी उसके ऊपर कूद जाऊं। ऑन हिम लाइक द डॉग, यदि मैं भी कुत्ते की तरह मालिक के ऊपर कूदूं तो क्या होगा। ही विल श्योरली वह निश्चित ही लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स, तो वह मुझे भी अपनी भुजाओं में निश्चित रूप से उठा लेगा। एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस और घर के अंदर ले जाएगा।
ऐसा किसने सोचा? द डंकी थॉट, थॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ थिंक, ऐसा गधे ने सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, द डंकी वेंट इनसाइड, अगली शाम को गधा घर के अंदर गया। इनसाइड द हाउस, ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, वह अपने मालिक के ऊपर कूदा। एंड बिगेन टू लिक हिम, और उसको चाटने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मालिक ने गधे को नहीं उठाया। लिफ्ट मीन्स उठाना। ही टुक हिम टू द शेड, टुक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक, वह उसको छप्पर में ले गया। रीड दिस पैराग्राफ्स एंड राइट इन रफ कॉपी। थैंक यू।